मशहूर रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह की निजी जिंदगी में आई दरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दी है। इसके अलावा शालिनी ने हनी सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ कैजुअल संबंध भी बनाए हैं। रिपोर्टेडली शालिनी तलवार की याचिका पर 30,000 कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है और उनसे वो उनके परिवार से 28 अगस्त से पहले जवाब देने के लिए कहा है। राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद से ही शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की फौज शमिता पर यह आरोप लगा रही है कि उनका खर्च भी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ही उठाते हैं। शमिता शेट्टी ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में शमिता ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद अपना खर्च उठा सकती है। ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग ले रही भारत की युवा महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश का सिर ऊंचा किया है। देशवासी खुशी से फूले नहीं समाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बॉलीवुड की हस्तियों ने लवलीना को दी बधाई, सोशल मीडिया पर जताई खुशी। इतना ही नहीं, पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत के रवि कुमार धैया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल भी पक्का हो चुका है। रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन को पीछे छोड़ रणवीर सिंह ने मारी बाजी। संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में आएंगे नजर। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह को बैजू बावरा के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। शाहरुख खान की फिल्म पठान में अब मशहूर एक्टर आशुतोष राणा की एंट्री हुई है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में आशुतोष राणा रॉ जॉइंट सेक्रेटरी का किरदार निभाते नजर आएंगे। खबर है कि हाल ही में आशुतोष राणा ने शाहरुख खान और डिंपल कपाड़िया के साथ मुंबई के यशराज स्टूडियो में कुछ सीन्स की शूटिंग भी शुरू कर दी है। सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो अलग अलग फेस एक्सप्रेशन में नजर आ रही है। सुहाना की इस तस्वीर को उनकी कई तस्वीरों को मिलाकर एक कोलाज बनाया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुहाना ने कैप्शन में लिखा, एक पर्सनालिटी चुने। सुहाना की मां गौरी खान ने भी इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। दोनों बेलग्रेड सर्बिया में हैं। तस्वीरों में दोनों मां बेटी ग्लैमरस लग रही हैं। सारा अली खान ने कल अपने एक वीडियो में बताया था कि उन्हें नाक पर चोट लग गई है, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। ऐसे में आज उनको मुंबई में जिम से बाहर निकलते वक्त स्पॉट किया गया। सफेद ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी सारा अली खान। कल दिल्ली में बेल बॉटम के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर अक्षय कुमार मीडिया जर्नलिस्ट से रूबरू हुए। यहां उनसे एक रिपोर्टर ने उनकी फिल्म सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट को लेकर एक सवाल पूछा। देखिए अक्षय का रिएक्शन। दो इंसान जानते हैं, एक भगवान जानते हैं, गोविंद शेट्टी जी जानते हैं। तो नहीं पता कब आ रही है, वही बताएंगे भी कब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमा खोल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएगी चाहिए अगले महीने या अगले प्रोग्राम जैसे भी। घर लौटे निक जोनस तो उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा ने बरसाया प्यार। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें वो निक जोनस को गले लगाए दिख रही है और कैप्शन में उन्होंने बताया है कि निक घर आ गए हैं। दोनों इस साल एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। प्रियंका अपने वर्क कमिटमेंट्स के चलते यूके में रही, वही निक जोनस लॉस एंजलिस में। लेकिन अब दोनों साथ है और ये खुशी उन्होंने अपने फैंस और फ्रेंड्स के साथ शेयर की है। पूल में चिल करती हुई संजय दत्त की बेटी त्रिशला की ये तस्वीर हुई वायरल। त्रिशला दत्त हवाई में छुट्टियां मना रही है